चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो के अंदर बिना किसी देरी के। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर ही। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ जो एक्की प्लस फेस वॉश है वो आप यूज करें ना करें, तो किस तरह के लोग इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो है 75 रुपये, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना जो है हर्बल प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं, ये बेसिकली होम्योपैथी और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनके अंदर जो इनका ये जो प्रोडक्ट है एक्यू प्लस फेस वॉश, इसके अंदर ये वैसे तो सारी स्किनों के लिए सही रहेगा, कोई भी स्किन वाला यूज़ कर सकता है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन। तो उसको यूज़ करने का तरीका तो आपको पता ही है, क्या करना है, अप्लाई करना है, इसको फेस वॉश करना है, दो टाइम सब फेस वॉश करने के लिए बताते हैं, वही आपको इसके अंदर भी करना है। इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो जो भी मैं आपको इसके अंदर दवाइयों के बारे में बताऊँगा, मैं वो सारी दवाइयाँ खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और ले चुका हूँ, आसपास वालों को भी दे चुका हूँ, उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो उनको और अपने आप पर लेने के बाद ही मैं आपको इसको बताने जा रहा हूँ। मैं आलतू फालतू वीडियो नहीं बनाता जिसके अंदर मैं किसी भी दवाई को उठा के बस बताने शुरू कर दूं कि ये आप यूज कर लेना, किसी का सुना सुनाया नहीं है, सब मेरे ऊपर खुद के एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। बेसिकली इसका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में है को दिखाई देगा, अजाडिरक्टा इंडिका, ये होता है नीम, ठीक है, ये इसका साइंस का नाम होता है। बेसिकली अजाडिरक्टा इंडिका जब भी नाम आएगा इसका मतलब है नीम। फिर कुकुमा लोंगा यानी टर्मरिक, फिर है एलो, बारबाडेंसिस यानी एलोवेरा, फिर सेंटलम एल्बम है, इसका मतलब है ये सेंटलबोर्ड यानी कि चंदन, फिर ये एक्सीपेंट क्यूएस, ये उस जिससे ये थोड़ा सा झाग बनता है वो चीज़ इनका सीक्रेट होता है, ये लोग बताते नहीं है। तो मैं कोई पहले बात बता दूं कि इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे यूट्यूबर को कोई प्रमोशन नहीं करवाती है इतनी बड़ी कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसके अंदर आप यूज़ तो करिए इसको, साथ के साथ अगर आप एक्यू प्लस क्रीम भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट दिखाई देंगे आपके पिंपल्स के अंदर, ब्लैक हेड्स के अंदर, और आपका कॉम्प्लेक्शन भी डार्क से लाइट होता जाएगा और थोड़ा सा गोरा होता जाएगा। कोई भी एलर्जी कॉज नहीं करता है तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल हर्बल है और कोई भी ज़्यादा केमिकल इसमें अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल ही ना के बराबर है, सिवाय उस वो जो झाग बनाने वाले बेस के अलावा, ज़्यादा झाग बनाएगा नहीं वैसे तो, इसके अंदर झाग बिल्कुल कम बनेंगे आपको, ऐसा नहीं है फॉर्म जैसे कि आप हैंड वॉश धोते हैं वैसे बन जाए झाग, ऐसा नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ठंडक ठंडक भी लगेगी इसकी वजह से, जो कि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनकी वजह से आपको थोड़ा सा ठंडक की एहसास होगी। ये मैंने बता दिया इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है और आपको इसको किसके साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो आप यूज़ करके देखना एक बार और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लग रहा है इसको यूज़ करके। और ये कंपनी GMP सर्टिफाइड है, ठीक है, छोटी मोटी कोई कंपनी नहीं है, लोकल कंपनी नहीं है, बढ़िया ही प्रोडक्ट बनाती है, बिल्कुल एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट बनाती है। तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स को, अपनी जो रिव्यू है अपना शेयर कर दीजिए ज़रूर और दोस्तों के साथ। तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए। मैं एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ, तो दोस्तों इससे पहले भी वीडियो ला चुका हूँ, उनको भी ज़रूर देखना। इसके अंदर मैंने दोनों को यूज़ करने का तरीका और बाकी यूज़ करने के प्रोडक्ट के तरीके बताए हुए। तो ओवर एंड आउट।